और जब पूछा तो बहुत बड़ा बात हो गया, किससे पूछेगा? अभी कोई घटना होगा तो इसके जिम्मेदार कौन है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी। हाँ, मनीष भाई एक अच्छे पत्रकार हैं और सच्चे पत्रकार हैं जी। आप लोग भी जानते हैं कितने दिन से वो काम कर रहे हैं, और मेरा तो छोटा भाई भी है, एक अच्छा रिलेशन है। ये भी देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी सब पर केस भी करवा रहे हैं पत्रकार लोगों पे, तो आपको डर नहीं लगा कि हम सपोर्ट करेंगे, हम पे भी एक्शन कोई ले ले? ऐसा हम डरते फरते नहीं किसी से। नेशनल टीवी पे इंटरव्यू दे रहे थे खेसारी जी, तो उनसे पूछा गया जब ये सवाल, तो उनको भी तो यही चीज़ कहना चाहिए, लेकिन उन्होंने कह दिया कि ससुराल है, लोग मजाक करते। तो ये कौन सा मजाक है गुंजन भैया, ये हम पूछना चाहते हैं, ईटा पत्थर से कौन सा मजाक होता है? हम ये बात पे का कोई वो नहीं जानता है, लेकिन मुझे लगता है कि पत्थर किसी कलाकार पे नहीं चलाना चाहिए। कोई भी कलाकार हो उसका सम्मान होना चाहिए। आपका व्यक्तिगत दुश्मनी है, आप कहीं दूसरी जगह उससे बात करिए, मिलिए। जहाँ तक की बात है कि तमिलनाडु घटना पे जो FIR हुआ मनीष कश्यप पे, तो ये घटना तो सही हुआ है, इसको दबाने के लिए लोग चाहे जो बोल दे। आपके मुंह से भी सुना गया, पवन भैया के मुंह से भी सुना गया कि पवन सिंह और गुंजन सिंह, बस पवन सिंह और गुंजन सिंह। मतलब ऐसा क्यों होता है कि पवन सिंह और गुंजन सिंह के बाद कोई भोजपुरी में कलाकार नहीं है क्या? ऐसा हम लोग कहाँ जाते बात करते हैं, बदनाम है सिर्फ इसी में कि वो बोल देते हैं पवन सिंह और गुंजन सिंह, इसी के लिए बदनाम है। बाकी इतने जातिवाद करने वाले लोग हैं, दिन रात जातिवादे कर रहे हैं। जो जिस शोज के दौरान आप लोगों ने ये बातें कही हैं, उसके कमेंट सेक्शन में हमने देखा था, लिखा हुआ था दोनों घमंडी हैं, पवन सिंह भी घमंडी है, गुंजन सिंह भी घमंडी है, खाली जातिवाद करते हैं, इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा। वरना नमस्ते प्रणाम, मैं आपका भाई शुभम सिंह, कैसे हैं आप सब? एक नए एपिसोड में स्वागत है, और एक बार फिर हमारी वीडियो में नजर आ रहे हैं गुंजन सिंह जी। आप सबके प्यारे दुलारे गुंजन भैया नजर आ रहे हैं। सबसे पहले तो गुंजन भैया स्वागत है, कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत अच्छा। और आपके चैनल के माध्यम से देखे वाला तमाम दर्शक के हम गुंजन सिंह प्रणाम कर रहे हैं। पूरा एकदम स्मार्ट सा लुक है, वाइट टी शर्ट पहना हुआ है भैया ने। ये लुक का राज बताइए, और क्या कर रहे हैं अभी? मेकअप भी लगा हुआ है, हेयर स्टाइल भी बना हुआ है, थोड़ा सा बताइए। और हम लोग क्या करेंगे, गाना गाएंगे या शूटिंग करेंगे? शूटिंग चल रहा है अभी यहीं पटना में, कुछ गाने का, कुछ सैड सॉन्ग का, कुछ फास्ट सॉन्ग का, उसी के दरम्यान हम लोग अभी तैयार हो रहे हैं। कब तक ये जो गाने अभी शूट कर रहे हैं, कब तक आने वाले हैं मार्केट में? बस 2-4-5 दिन में। हाँ अच्छा, फिल्मों को लेकर देखें तो गुंजन सिंह थोड़ा सा अभी ढीले लग रहे हैं, फिल्में वगैरह शूट नहीं कर रहे। एक बार अनाउंसमेंट भी हुआ था कि पवन सिंह के साथ आने वाला है, पवन भैया के साथ आने वाला है, मुहूर्त भी हुआ था फिल्म का, अभी तक तो कुछ अपडेट नहीं दे रहे भैया, ऐसा क्या है? आएगा, अरे हम लोग का भाई का रिलेशन है, ये थोड़ी है कि फिल्म के नाते है। जब उनको अच्छा लगेगा ना कि जो भाईचारा दिखता है वो एक फिल्म में दिखे, तो और भी मज़ा आ जाए। हाँ हाँ, सही बात है। बहुत सारा लोग सवाल करते हैं, बिल्कुल, और मुझे लगता है कि हर जगह एक बार सवाल हो ही जाता है कि अभी तक फिल्म नहीं आया आपका। ये बात हम भैया से भी बोले थे, लेकिन उनको भी थोड़ा व्यस्तता है, इधर पिक्चर बहुत पहले से लिए हुए थे, ज़्यादा उसको कर रहे हैं, करेंगे उस पिक्चर को भी। हाँ, अच्छा एक सवाल गुंजन भैया कि जैसे बहुत सारे मंच पे आपके मुंह से भी सुना गया, पवन भैया के मुंह से भी सुना गया कि पवन सिंह और गुंजन सिंह, बस पवन सिंह और गुंजन सिंह। मतलब ऐसा क्यों होता है कि पवन सिंह और गुंजन सिंह के बाद कोई भोजपुरी में कलाकार नहीं है क्या? ऐसा भैया के मुंह से भी सुना है मैंने, आपके मुंह से भी सुना है कि बस पवन सिंह और गुंजन सिंह, तो वो डायलॉग का थोड़ा सा विस्तार दे दे हमको भैया। अरे नहीं यार, ऐसा बात नहीं, सभी कलाकार हैं और सब लोग अपने जगह पे अच्छे हैं, और हम लोग की तरफ से वो प्यार है, भाईचारा है, तो थोड़ा निकल जाता है मुंह से। हाँ, कि लोग अपवाद मिलने लगते, विवाद बनाने लगते। हाँ, लोग विवाद बना देते हैं, लेकिन हम लोग का ऐसा कोई बात नहीं, दिल से जब रिलेशन रहता है तो उस आदमी का नाम निकल ही जाएगा, उसको नहीं चाहते हुए भी निकल जाएगा। हम लोग चाह कर नहीं बोलते हैं कि गुंजन सिंह, पवन सिंह, ऐसा कोई बात नहीं कि सिंह है इसलिए बोलते हैं, दिल में है भैया तो अपने आप निकल जाता है। क्योंकि मैंने ये सवाल इसलिए पूछा भैया, पूछना लाजमी भी बनता है, क्योंकि जो जिस शोज के दौरान आप लोगों ने ये बातें कही हैं, उसके कमेंट सेक्शन में हमने देखा था, लिखा हुआ था ये दोनों घमंडी हैं, पवन सिंह भी घमंडी है, गुंजन सिंह भी घमंडी है, खाली जातिवाद करते हैं, इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा, वरना मैं ये सवाल नहीं पूछना। जातिवाद तो हम लोग करते ही नहीं है, हम लोग कहाँ जातिवाद करते हैं, बदनाम है सिर्फ इसी में कि वो बोल देते हैं पवन सिंह और गुंजन सिंह, इसी के लिए बदनाम है। बाकी इतने जातिवाद करने वाले लोग हैं, दिन रात जातिवादे कर रहे हैं। जातिवाद अगर हम लोग करते तो दिन रात जातिवाद वाला गाना गाते, ऐसा तो नहीं गा रहे हैं हम लोग, कोई नहीं गा रहे हैं ऐसा,
जो लोग जातिवाद कर रहे हैं वही लोग ऐसा सोचते होंगे, बाकी पब्लिक लोग बहुत समझदार हैं, जो जनता जनार्दन है, हमारे अंदर कोई घमंड ना उनके अंदर ऐसा कोई घमंड है। कलाकार के पास जब पहुंचेगा लोग तब पता चलेगा कि कौन घमंडी है और कौन ना घमंडी है, बिल्कुल है ना। तो हम लोग के अंदर ऐसा कुछ नहीं, हम लोग जीरो हैं, कुछ नहीं मानते अपने आप को, जो है सब दर्शक है। क्या बात है। अच्छा भैया, बिहार में अभी एक ही ट्रेंड चल रहा है, तेजस्वी यादव वर्सेस मनीष कश्यप, और मनीष कश्यप जी के मतलब सपोर्ट में गुंजन भैया का भी पोस्ट आया, तो मतलब जहां पूरी सरकार मनीष कश्यप के विरोध में है, वहां पे भोजपुरी के कुछ कलाकार जैसे आप हैं और भी लोग हैं सपोर्ट कर रहे हैं, और कुछ लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता कि अभी ये भी देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी सब पर केस भी करवा रहे हैं पत्रकारों लोगों पर, तो आपको डर नहीं लगा कि हम सपोर्ट करेंगे हम पे भी एक्शन कोई ले ले? ऐसा हम डरते फरते नहीं किसी से, शुरू से ही नहीं डरे हैं, बस डरते हैं सिर्फ माए बाप और दर्शकगण से, बाकी के ऊके हिम्मत नहीं के कुछ बिगाड़ पाई। तो मनीष कश्यप जी के लिए कुछ? हाँ, मनीष भाई एक अच्छे पत्रकार हैं और सच्चे पत्रकार हैं, आप लोग भी जानते हैं कितने दिन से वो काम कर रहे हैं, और मेरा तो छोटा भाई भी है, एक अच्छा रिलेशन है। तो मुझे ऐसा लगा चाहे वृद्धाश्रम का ओपनिंग हो, चाहे कोई भी कार्य हो, उसमें मनीष कश्यप तत्पर रहते हैं। और जहाँ तक की बात है कि तमिलनाडु घटना पे जो FIR हुआ मनीष कश्यप पे, तो ये घटना तो सही हुआ है, इसको दबाने के लिए लोग चाहे जो बोल दे कि हम बोल दिए, तो अब बोल दिए भाई तो हम बोल दिए, तो वो सही रहे चाहे गलत रहे। ठीक है, ये बात गुंजन भैया बोल रहे हैं, कल को आपके पास नोटिस आ जाए कि फिर गुंजन सिंह भी भड़काने वाला काम कर रहे हैं? ऐसा है ही नहीं, ऐसा वीडियो भी आया, वहाँ तो आदमी मर भी गया है, पप्पू यादव हाल में उसको पैसा दिए जा करके, ये सब पेपर में भी आया हुआ, उनके खुद ID से पोस्ट किया हुआ है। तो तमिलनाडु घटना पे सिर्फ मनीष कश्यप ही नहीं बोला, सब लोगों ने बोला, विधानसभा में आवाज उठा, कहाँ नहीं आवाज उठा उस पर तमिलनाडु घटना पे, क्योंकि हमारे बिहारियों पे, हमारे बिहार के उस मजदूरों का पे जो घटना हुआ है, जो मारपीट हुआ या जो भी हुआ है, तो इसके लिए सब लोगों ने आवाज़ उठाया, तो ये गलत कैसे है, इसका जांच होना चाहिए। और किसी एक आदमी पर FIR करके अभी देख रहे हैं ना तमाशा, आप FIR कर दिए, अरेस्ट करवा दिए, आप तो इस बिहार के आप राजा हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी के हाथों में बिहार का ये डोर है, बिल्कुल, तो आपके हाथ में जब डोर है तो सवाल तो कोई करेगा तो आप ही से करेगा, मालिक से ही करता है सवाल, आप मालिक हैं तो आप ही से ना लोग बोलेगा जी। और जब पूछा तो बहुत बड़ा बात हो गया, किससे पूछेगा, अभी कोई घटना होगा तो इसके जिम्मेदार कौन है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी, ये हर कोई जनता का आवाज़ है, आज हर जाति के लोग एक हो चुका है। और मनीष कश्यप के साथ क्यों आया, क्योंकि मनीष कश्यप सच्चा काम किया है, सच्चा घटना को दिखाने का काम किया है, इसलिए सब लोग साथ में है। इतना रोड जाम हो रहा है, किसका पोस्ट नहीं आ रहा है, अभी पूरे देश में ट्रोल कर रहा है ये घटना, देखो कि बंद करना से क्या हो जाएगा, वो फिर बाहर आएगा, फिर आगे उगलेगा। तो इसको भी तो लोग जाति से जोड़ रहे हैं ना, कि भूमिहार कास्ट के हैं, तो आशुतोष कुमार जो नेता है वो भी, उन्होंने सपोर्ट में एक पोस्ट डाला, गुंजन सिंह भी भूमिहार जाति से आते हैं, तो गुंजन सिंह इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि भोजपुरी में और भी लोग हैं, खेसारी जी को भी मनीष कश्यप ने सपोर्ट किया है, अखिलेश कश्यप को सपोर्ट किया है, राकेश मिश्रा को सपोर्ट किया, लेकिन कोई नहीं सामने आ रहा है, सिर्फ गुंजन सिंह ही सामने आ रहे हैं, इसका मतलब गुंजन सिंह जातिवाद कर रहे हैं? नहीं, ऐसा बात नहीं, हम लोग तो एक, कोई भी पत्रकार हो जो अच्छा कार्य कर रहा है, सभी पत्रकार के साथ हम लोग हैं, क्योंकि पत्रकार एक चौथा स्तंभ है, चाहे छोटा हो, आजकल सब सोच लिया है कि माइक ले लिया तो क्या, अरे एक ही छोटा माइक लेके कहाँ से कहाँ, एक दिन मनीष कश्यप भी एकदम एक छोटा सा माइक लेके बेचारा घूम रहे थे गलियों में, आज बड़ा बन गया यूट्यूबर, तो तुरंत उस पर ये हो गया, और जात पात तो कहीं है ही नहीं, थोड़ी है कि खाली भूमिहारे पोस्ट कर रहा है, यादव भी पोस्ट कर रहा है मनीष कश्यप के सपोर्ट में, कौन जाति के लोग नहीं कर, राजपूत कर रहे हैं, भूमिहार कर रहे हैं, पंडित कर रहे हैं, पासवान कर रहे हैं, जितने जाति हैं पृथ्वी पे, जिसको लग रहा है कि एक अच्छा आदमी है, अच्छा काम आज तक किया है, और गरीब मजदूरों के लिए आवाज़ उठाया है, तो उसके साथ में सब कोई है, ये नहीं कि हम, हमारे कास्ट के लोग हैं तो हम उसका सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, सच्चा अगर नहीं होता तो हम नहीं सपोर्ट करते, सच्चाई है इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, अभी हाल ही में पवन भैया के ऊपर पत्थर चल गया बलिया में, आपने देखा, वो देखा था आपने उस कांड, उस कांड को देखने के बाद गुंजन सिंह का क्या रिएक्शन है? तो कहीं ना कहीं सभी स्टार जो प्रोग्राम करने जाते हैं सबके मन में एक डर सा बैठ गया, कल को मेरे पे पत्थर चल जाए, कल को उन पे पत्थर चल जाए, तो गुंजन जी ने पवन भैया से बात किया, उनको सांत्वना दिया कि नहीं?
हाँ तुरंत फोन किए हम, फोन किए थे, हाँ तुरंत बात हुआ, बोले हाँ चोट तो लग गई रहे, बाकी क्या है ना कि एक आदमी पूरे माहौल को खराब कर दिया, उस कार्यक्रम को डिस्टर्ब किया, वो कौन था नहीं था ये पता तो नहीं चला, बाकी लाखों की भीड़ में किसको आदमी कहे, एक लाख आदमी चाहने वाले हैं, उसमें एक आदमी अगर पत्थर चला दिया तो उससे बड़ा बेवकूफ कौन होगा कि उस कार्यक्रम को भंग कर दिया, सबका मनोरंजन चल रहा था, इतना प्यारा माहौल था, उसको भंग कर दिया। चाहे कोई भी कलाकार हो, एनीबडीज, जीरो से लेके हीरो तक सबका सम्मान होना चाहिए, पत्थर नहीं चलना चाहिए, उसके जगह पर पुष्प बरसाइए, पुष्प बरसाइए। अच्छा, गुंजन सिंह ने यह बात कहा कि कोई भी कलाकार हो पत्थर नहीं चलना चाहिए, या फिर जो भी ये लोग बोतल चप्पल चलाता है ये सब नहीं चलना चाहिए, लेकिन एक नेशनल टीवी पे इंटरव्यू दे रहे थे खेसारी जी, तो उनसे पूछा गया जब ये सवाल, तो उनको भी तो यही चीज़ कहना चाहिए, लेकिन उन्होंने कह दिया कि ससुराल है लोग मजाक कर दे, तो ये कौन सा मजाक है गुंजन भैया, ये हम पूछना चाहते हैं, ईटा पत्थर से कौन सा मजाक होता है? हम ये बात पे का कहें यार, अब जेकरा जितना बुझा ला उतना बोले ला लो। आपका भी शादी हो गया है, आपके ससुराल में कभी ईटा पत्थर वाला मजाक हुआ था क्या? आपको कोई पता चला के बाद? आज तक तो ऐसा नहीं हुआ है, और आगे का हम देखे नहीं हैं, हम भी नहीं जानते, कोई नहीं जानता है, लेकिन मुझे लगता है कि पत्थर किसी कलाकार पे नहीं चलाना चाहिए, कोई भी कलाकार हो उसका सम्मान होना चाहिए, आपका व्यक्तिगत दुश्मनी है आप कहीं दूसरी जगह उससे बात करिए, मिलिए, पत्थर चलाइए, आइटा चलाइए, बाद का बात है। मजा लेना हो गया था नेशनल टीवी में, तो अगर किसी पर टिप्पणी हो गया ना, दोहरी राजनीति हो गई, आपको क्या लगता है कि मतलब भैया भी बोलते हैं उनसे मजा भी ले लेते हैं, तो आपको क्या लगता है? अरे क्या कहें, हम नहीं कुछ बोल सकते इस पे, इस पे कुछ नहीं बोलेंगे, सबका अपना अपना सोच है, लेकिन इस पे सटीक जवाब तो ही होना चाहिए कि किसी कलाकार पे पत्थर ना चलाएं, आज हम पे चल जाएगा तो कल किसी और पे भी चल जा सकता है, बिल्कुल, ये पत्थर है, चल गया तो रुकता थोड़े है, लगने है केकरो लगे, चाहे पवन सिंह के लगे, चाहे गुंजन सिंह के लगे, चाहे केकरो लग जाए, जो उन कलाकार हो सकेला उनका पे मार ले रहे, लग जाते वो हीरोइन पे वो तो मूर्छित तो होके गिर जाती तुरंत, वो तो थोड़ा थम लिए, और जितना कम बोले उससे ज़्यादा हम लोग बोल देते रहते, तो कि चोट लग जाता है ना, यहाँ साला ब्रेन अलग टाइप के है, मिलता जुलता है, आप दोनों जाता है, आप दोनों का मूड भी मिलता है, स्टेज पे थोड़ा सा मूडी लगते हैं पवन सिंह के जैसे। अरे ये सब हम लोग का शुरू से ही है, और जनता का आशीर्वाद है सब, बाकी कुछ नहीं है, हम लोग कुछ नहीं है, हम लोग बस जो है सब उनके आशीर्वाद से, और कौन कहता है घमंडी है क्या है, हमको तो ये नहीं लगता है कि हम लोग के जैसा आदमी, मेरे जैसा आदमी होगा कोई कि हर आदमी से मिलना, हर आदमी का सम्मान करना, हमें तो आज भुआ में बैठ जाते हैं, कुर्सी का इंतजार नहीं करते हैं, कहीं भी बैठ जाते हैं। क्या बात है। अच्छा, लास्ट सवाल जाते जाते, सभी बड़े भाई देखे आपके, मतलब सीनियर्स जो हैं इंडस्ट्री में, मनोज तिवारी जी हो, रवि किशन जी हो, दिनेश लाल यादव जी हो, या फिर पवन भैया हो, सब ने राजनीति में आने की ठान ली, तीन लोग ऑलरेडी सांसद हैं, पवन भैया भी चुनाव लड़ेंगे इन फ्यूचर ऐसा कहा जा रहा है, तो क्या गुंजन सिंह भी राजनीति में कदम रखेंगे या नहीं रखेंगे, अगर रखेंगे तो किस पार्टी से रखेंगे? अभी पार्टी डिसाइड नहीं है, लेकिन जिस पार्टी से भविष्य दिखाई देगा उसी पार्टी की ओर मन है राजनीति में जाने। हाँ, आगे काम क्या है, गायक अभिनेता फिर नेता, हमने तो और फोन भी एक भी सांसद बना एक बार पवन सिंह को सांसद बनाना है। हाँ। जाते जाते पब्लिक से क्या कुछ करना चाहिए, कुछ प्रोजेक्ट्स बता दीजिए। बस वही चलते रहता है, गाना, मगही, भोजपुरी, सैड सॉन्ग, और फिल्म भी आएगा, फिल्म पे थोड़ा हम लोग वर्क कर रहे हैं, ठेल ढकेल वाला फिल्म बना के कोई फायदा नहीं है, अरे दो चारे को बने तेरी बढ़िया बने फिर में फिल्म से एक बात तो याद आ गया भैया, बिना पूछे जाने नहीं देंगे, दो तीन फिल्मों को लेकर बहुत चर्चा में है भोजपुरी इंडस्ट्री, खेसारी जी के संघर्ष 2, खेसारी जी की फरिश्ता, और पवन सिंह की हर हर गंगे, तो मैं आपके सामने दो फिल्में का नाम रखूंगा, गुंजन सिंह को बताना है कौन बेस्ट है, हर हर गंगे या फिर संघर्ष 2, अब आप दोनों को कंपेयर, आपको कंपेयर करना है कि दोनों में कौन आपको बेस्ट लगा। अभी इस पे हम कुछ टिप्पणी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हर हर गंगे का मोशन पोस्टर आया, संघर्ष 2 का टीजर आया है, दोनों आपने देखा कि नहीं देखा? नहीं, हम देखे अभी, दोनों में से कोई नहीं देखा, हम ये पोस्टर देखे हैं हर हर गंगे का, कैसा लगा? संघर्ष 2 का भी पोस्टर कहीं ना कहीं मिल ही जाता है, हाँ लेकिन देखे हैं, बाकी अब फिल्म क्या आता है, ऐसे तो हर हर गंगे नाम है माई गंगा के, कुछ तो हुई अलगे हुई ने ओकर पे, हाँ। चार पांच भाषाओं में उसको डबिंग भी किया जाएगा, हाँ। तेलुगु, मलयालम, हाँ। बंगाली, हिंदी, भोजपुरी, अरे हम कुछ बोलेंगे तो लोग के नहीं समझ में आएगा, उसको लगेगा कि एक देने जा रहा है, हाँ, हाँ। समझ गए, ऐसा सबको लगता है, पता नहीं, बाकी हम तो कहते जिसका भी फिल्म अच्छा बने
चाहे किसी भी गायक किसी भी हीरो का अच्छा लगे एकदम भरपूर देखिए और सब फिल्म को आगे बढ़ाइए, चाहे किसी भी गायक का फिल्म हो किसी भी हीरो का फिल्म हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, ये हमारे साथ गुंजन भैया जुड़े थे, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इतना ही, नमस्कार।